हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव एवं शिमला शहरी प्रभारी बृजभूषण बास्टू और शिवम राणा ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में बढ़ती महंगाई बेरोजगारी के विरोध में आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने विभाजनकारी राजनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर गत वर्ष 7 सितंबर 2022 को देश में शुरू की थी। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस ने आज भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ पर शेरे पंजाब के नज़दीक मोहब्बत की दुकान खोलकर मजदूरों राहगीरों और छोटे बच्चों को फल फ्रूट वितरित किए। आज हम सभी युवा कांग्रेस के साथी शिमला शहरी के जितने भी हमारे कार्यकर्ता है अध्यक्ष है संदीप चौहान जी हमारे महासचिव शिवम राणा जी हमारे प्रदेश महासचिव विशाल नेगी जी हम सभी आज राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा का एक साल का जो कार्यक्रम पूरा हुआ है एक साल जो पूरा हुआ है उसके उपलक्ष्य में आज हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। हमारा संदेश साफ है कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा वो है सर्वधर्म सम्मान। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं तो चाहे कोई भी। हमारा मानना है कि इस देश में एकता प्यार सद्भावना ये सब बना रहे। आप देख ही रहे होंगे पिछले कुछ सालों से देश में एक नफरत का माहौल जो बना रहा उसके खिलाफ राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा का शुभारम्भ किया जो कि 7 सितंबर 2022 में शुरू की थी और राहुल जी ने इस यात्रा से पूरे देश को इकट्ठा करने का काम किया जोड़ने का काम किया। और उसी उपलक्ष्य में आज उसके एक साल होने की पहली वर्षगांठ पर युवा कांग्रेस शिमला शहरी भारत जोड़ो यात्रा का पहली वर्षगांठ मना रही है और हमारे नेता राहुल गांधी जी के निर्देशानुसार आगे जा कर के हम भारत को जोड़ने का काम चलाए रखेंगे और इसी कड़ी में हम भारत जोड़ो यात्रा द्वितीय भाग का भी शुभारंभ आने वाले कुछ समय में जरूर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट सिटी चैनल शिमला।